वेलकम बैक बैक टू माय चैनल वेंचर्स आज का जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी द इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल जिसको शॉर्ट में ICMP बोला जाता है तो आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल होता क्या है सबसे पहले बात करेंगे आई पी दैट इज़ द इंटरनेट प्रोटोकॉल की तो ये एक बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सर्विस है जो अपने डेटा ग्राम को डिलीवर करता है ऑरिजिनल सोर्स से अपनी फाइनल सोर्स की तरफ लेकिन ये अनरिलाइएबल और कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है और हमारे आई में दो तरह की डेफिशंसीज़ हैं दैट इज़ लैक ऑफ एरर कंट्रोल मेकैनिज्म एंड असिस्टेंस मेकेानिज़म क्योंकि आई को कोई भी एरर रिपोर्टिंग मेकैनिज्म नहीं है इसको नहीं पता होता कि अगर राउटर जो है व, uh, क्या हो जाएगा अगर कुछ गलत हो गया अगर राउटर ने डिस्कार्ड कर दिया डेटाग्राम को क्योंकि उसको फाइनल डेस्टिनेशन नहीं मिली अगर टाइम टू ल्यू फील्ड का वैल्यू जीरो हो गया तब क्या हो गया तो वो ये सब कुछ नहीं देख सकता इसको ओवरकम करने के लिए हमने आई प्रोटोकॉल का यूज़ किया आई प्रोटोकॉल्स में मैसेज होती हैं दो तरह की एक मैसेज को एरर कंट्रोल बोला जाता है दूसरे को क्यूरी मैसेज एरर कंट्रोल मैसेज जो हैं दैट्स एरर रिपोर्टिंग ये हमें रिपोर्ट करती हैं राउटर अगर कोई प्रॉब्लम हो गई आई पैकेट्स को सेंड करने में और क्यूरी मैसेज पेयर्स में होती हैं तो मैसेज फॉर्मेट देखिए ये इसका मैसेज फॉर्मेट है जिसमें हमारा टाइप कोड और चेकसेम आता है टाइप का मतलब होता है ये बताता है हमें किस तरह की मैसेज है कोड स्पेसिफाई हमें करता है रीजन किसी भी पर्टिकुलर मैसेज टाइप का और चेकसेम जो है ये हमारा डिटेक्ट करता है एरर इसी तरह से हमारे पास फर्स्ट मैसेज जो है दैट इज़ द एरर रिपोर्टिंग मैसेज एरर रिपोर्टिंग मैसेज में पांच टाइप्स हैं डेस्टिनेशन अनरीचेबल सोर्स टाइम एक्सीड पैरामीटर एंड रिट इन सबको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहले है डेस्टिनेशन अनरीचेबल यहाँ पर क्या होता है जब राउटर को अपना uh, जब राउटर को जो डाटाग्राम होस्ट को सेंड करना होता है अगर वो उसको सेंड नहीं कर पाया क्योंकि उसे नहीं पता चला अपने डेस्टिनेशन uh, के बारे में तो वहाँ पर वो पैकेट्स को डिस्कार्ड करता है और डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज सेंड करता है वापस सोर्स को फिर आता है हमारा सोर्स क्विंच मैसेज सोर्स क्विंट मैसेज में क्या है आईपी जो प्रोटोकॉल है ये तो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है कोई भी कम्युनिकेशन सोर्स होस्ट होस्ट और फाइनल डेस्टिनेशन के बिटवीन में नहीं है फ्लो कंट्रोल में क्या निज़म इसमें बिल्कुल भी नहीं है तो क्या हो जाता है जब ज़्यादा मैसेज चली जाती हैं डेस्टिनेशन पर और डेस्टिनेशन उनको अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाता है क्योंकि वहाँ पर ओवरफ्लो हो जाता है उस टाइम पर उसके पास कोई भी और चारा नहीं बचता वो इन मैसेज को सबको डेटाग्राम को डिस्कार्ड कर देता है तो जब ऐसा मैसेज जब ऐसा सिचुएशन हो जाती है तो सोर्स को इंच मैसेज सेंड की जाती है वापस होस्ट को सोर्स को और सोर्स को यह पता चल जाता है कि हमारी मैसेज सेंड नहीं हुई डेस्टिनेशन तक और वो फिर से मैसेज को सेंड करता है इसी तरह हमारे पास तीसरी मैसेज जो होती है दैट इज द टाइम एक्सीड मैसेज टाइम एक्सीड मैसेज में क्या होता है ये दो केसेस में जनरेट होता है देखो जब भी हमारा एक फील्ड है जिसको हम टाइम टू लीव फील्ड बोलते हैं टाइम टू लिव फील्ड जब भी हम कोई भी डेटा ग्राम सेंड करते हैं डेस्टिनेशन पर यह टाइम टू लिव फील्ड डिक्रीज हो जाती है बाई वन और जब ये सारी डिक्रीज होकर टाइम टू लिव फील्ड का वैल्यू जीरो हो जाता है उस टाइम पे सारे डेटाग्रह उसके बाद जो भी आएंगे वो सब क्या हो जाते हैं डिस्कार्ड हो जाते हैं क्योंकि अपने टाइम लिमिट से एक्स्ट्रा हो जाता है टाइम तो तब टाइम टू लिव टाइम मैसेज सेंड की जाती है सोर्स को सोर्स ना इसे मैसेज सेंड करता है है द हमारे पास जो दैट इज पैरामीटर प्रॉब्लम प्रॉब्लम अगर कोई भी हेडर पार्ट में आ गई के तो सीरियस क्रिएट कर सकती है और डेस्टिनेशन को अगर डेस्टिनेशन होस्ट ने कोई भी एंबीग्यूटी या कोई भी वैल्यू मिसिंग पाया डेटाग्राम फील्ड में तो तब पैरामीटर प्रॉब्लम वापस सेंड की जाती है यह मैसेज किसको सोर्स को इसी तरह से हमारे पास रिडायरेक्शन भी आ जाता है कभी कभी डेटाग्राम को जिस एड्रेस पर सेंड किया uh, करना होता है उस एड्रेस पे नहीं पहुंचता गलत एड्रेस पे पहुंच जाता है उस केस में राउट रिसीव करता है डेटाग्राम को और फॉरवर्ड करता है इस डेटाग्राम को करेक्ट राउटर के पास और फिर यही मैसेज भी डायरेक्शन की सेंड की जाती है होस्ट को सेकेंड हमारे पास क्यूरी मैसेज ये हमारे पास चार तरह के मैसेज है ये पेयर में होती हैं रिक्वेस्ट और रिप्लाई पेयर में तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं सबसे पहले इको रिक्वेस्ट और इको रिप्लाई की मैसेज होती है ये मैसेज यूज़ होती है टू तो डिटरमाइन द क्या कम्युनिकेशन आईपी लेवल पे हो रही है या नहीं ये डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए होती है और कॉम्बिनेशन ऑफ इको रिक्वेस्ट और इको रिप्लाई मैसेज हमें बताती है क्या क्या सिस्टम जो है क्या ये आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए तैयार है तो ये होगी उस तरह की मैसेज सेकेंड हमारे पास टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट और रिप्लाई मैसेज आती है ठीक है टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट और रिप्लाई मैसेज हमारे पास जो है ये डिटरमाइन करती है राउंड ट्रिप टाइम कितना चाहिए आई पी डेटाग्राम को ट्रैवल करने के लिए और एक और चीज़ भी इंपॉर्टेंट है ये हमें बताती है और ये यूज़ होती है टू सेंक्रोनाइज द क्लॉक्स इन टू मशीन्स क्लॉक्स को टू मशीन्स में सेंक्रोनाइज करने के लिए भी टाइम स्पेंड रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई यूज़ होता है देन एड्रेस मास्क मास्क रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई इसमें क्या होता है होस्ट को आई अपना आई एड्रेस पता होता है लेकिन मास्क नहीं तो उसको जब अपना आई एड्रेस पता है क्या है लेकिन मास्क उसको तो नहीं पता है तो फिर वो क्या करता है और मास्क को ओपन करने के लिए एड्रेस मास्क रिक्वेस्ट मैसेज सेंड करता है राउटर को लैंड पे अगर राउटर को वो मैसेज पता है उसका मास्क तो वो उसको सेंड कर देगा रिप्लाई अगर नहीं पता तो ये ब्रॉडकास्ट करेगा मैसेज और जिस होस्ट को पता है उससे उसका मास्क एड्रेस लेके इसको दे देता है देन हमारे पास आ जाती है राउटर सॉली स्टेशन एंड एडवर्टीजमेंट इसमें क्या होता है आईसी राउटर में जो सॉली स्टेशन मैसेज की होती है ये सेंड की जाती है एक होस्ट कंप्यूटर से राउटर कंप्यूटर में इससे क्या होता है ये एडवर्टीज करता है अपनी प्रेजेंस की मैं नेटवर्क में प्रेजेंट हूँ सिंपली सिंपली क्या होता है आई राउटर एडवर्टीजमेंट मैसेज सेंड की जाती है फिर राउटर से कहाँ लाइन पे ये अनाउंस करता है अपना आईपी एड्रेस और ये बोलता है कि मैं अभी नेटवर्क में अवेलेबल हूँ अपनी अवेलेबिलिटी को एडवर्टीज uh, करता है. देन इज चेकसेम और चेकसेम हमारा एरर डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है ये था आईसीएमपी प्रोटोकॉल बहुत ही इजी वे में तो आई होप यू लाइक द वीडियो कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा